कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महंगाई बेरोजगारी इसके लिए जिम्मेदार है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बेरोजगारी की वजह से जनता में गुस्सा है और अब जनता का दिल गुस्सा संसद के अंदर आने लगा है, नजर आने लगा है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जल्दबाजी में पुरानी संसद को छोड़ा गया और इसी वजह से यह घटना हुई। क्या कुछ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जरा सुनिए। एक बात तो आम लोगों में चर्चा होना शुरू हो गए हैं कि मोदी जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं देश की सुरक्षा देश की सुरक्षा, अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे। और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं आए पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, गिरुवार में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इस हमले इस साजिश के पीछे दरअसल उन युवकों का गुस्सा जो था वो वजह था। लेकिन क्या वाकई में ये वजह है? करते हैं मेरे सहयोगी जुड़े हैं विशाल करोले इस समय अमोल शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई में विशाल यही वजह बताई जा रही है? परिवार का क्या कुछ कहना है? जी देखिए घर वालों का परिवार का यही कहना है कि पिछले कुछ सालों से अमोल शिंदे जो है जो पुलिस भर्ती के लिए प्रयत्न कर रहा था उसकी कोशिश चल रही थी, लेकिन वो कोशिश में फेल होते जा रहा था। 5 साल से वो लगातार कोशिश करते रहता था। अब जिस वक्त वो दिल्ली गया तो दिल्ली में जब जाने के पहले 9 तारीख को उसने परिवार को बताया कि दिल्ली में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया है, तो दिल्ली में जाके पुलिस भर्ती के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। अब मैं अमोल के घर के बाहर ही हूँ, एक छोटा सा घर है उसका, उसके घर में उसके माँ बाप भाई बहन ऐसे सभी लोग रहते हैं। जो अमोल जो है वो मजदूरी करता था, उसके पिताजी भी मजदूरी करते और एक मंदिर में पुजारी का काम भी करते, तो पुलिस बनना उसका सपना था लेकिन वो फेल हो रहा था। उसके चलते वो दिल्ली गया, दिल्ली में जाके पुलिस भर्ती होगा ऐसा उसने घर वालों को बताया, और उसके बाद दिल्ली में संसद में जो भी कुछ हुआ ये घर वालों को पुलिस के जरिए पता चला। कल पुलिस अमोल के घर पे आई थी, स्थानीय पुलिस ने इंक्वायरी की, लगभग 6 से 7 घंटे स्थानीय पुलिस ने इंक्वायरी की, उसके बाद ईटीएस की टीम भी यहाँ आई थी, ईटीएस की टीम ने इंक्वायरी की। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है अमोल, पुलिस में भर्ती होना चाहता था लेकिन अब पुलिस के सामने ही अपराधी के तौर पर खड़ा हुआ है। और आपको जरा नक्शे के जरिए समझाते हैं कि दरअसल ये पूरी साजिश इसका नक्शे पर कनेक्शन क्या है। तो देखिए नीलम हिसार के हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, यानी उत्तर भारत के इस इलाके से आती हैं। इसके अलावा सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, इसके अलावा ललित झा बिहार का निवासी है, इसके अलावा मनोरंजन डी कर्नाटक मैसूर से आते हैं, मैसूर के ही सांसद प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन के ऊपर इसका संसद में विजिटर पास बना था। साथ में इन तमाम लोगों का अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। तो देखिए नक्शे के ऊपर ये जो आपको लाल स्पॉट दिख रहे हैं इन जगहों से ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं, यहां पर गुरुग्राम में इकट्ठा होते हैं और गुरुग्राम में ये लोग एक रात यहां रुकते हैं और उसके बाद इस साजिश को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन सब लोगों को इकट्ठा करने वाला जो शख्स था वो इन्हीं में से कोई, इन्हीं चेहरों में से एक कोई है, या अभी और चेहरों की तलाश बाकी है? क्योंकि किसने इन लोगों को इकट्ठा किया, किसने इसका प्लान बनाया, किसने इस तरीके की साजिश को रचने के बाद इसे अंजाम देने के लिए तमाम सामान इकट्ठा किए और इसे एग्जीक्यूट करवाया, यही सवाल बरकरार है कि आखिर किसने इस साजिश को अंजाम दिया, किस तरीके से यह पूरी जांच आगे चल रही है रविंद्र कुमार। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर बरकरार है, खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से आरोप अब एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं जाहिर तौर पर इस पर सियासत तो होगी ही, लेकिन संसद की सुरक्षा, आप भी बहुत लंबे समय से संसद कवर करते रहे हैं, बीते 22 सालों की यदि बात की जाए तो संसद की सुरक्षा को हाईटेक बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। लेकिन इस तरीके से यदि पोल खुलती है संसद की सुरक्षा के इंतजामों की तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं रविंद्र। अब बिल्कुल 2001 के बाद से आपने खुद देखा होगा कि प्रमोद महाजन ने सबको बताया था उस समय कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और ये अत्याधुनिक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और की भी गई।
लेकिन केवल मशीन से नहीं होता है, मशीन और मैन ये दोनों का आपसी सामंजस्य और कॉम्बिनेशन से ही किसी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। मशीनें लग गई लेकिन व्यक्ति ढीला है और इसी का नजरिया है। आप देखिए कि यहाँ पर आपने देखा त्रिस्तरीय दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो जाँच करते हैं पहले, फिर वाचन वार्ड है, पैरामिलिट्री है, लेकिन सबको धत्ता बताते हुए अंदर चला जाता है और ये अपराध करता है। यही वो स्पॉट है जहां पर ये हमला हुआ था, जहां ये घटना हुई थी, और वो तस्वीरें भी आपने कल दिखाई थी कि किस तरीके से क्राइम सीन अनअटेंडेड छोड़ दिया गया। अब बिल्कुल देखिए, मेरे पीछे अब दिल्ली पुलिस ने लिखा है लाइन पार न करें, दोनों तरफ से कॉरिडोर बना दिया गया है, लेकिन ये तो आप लिखा ना, घेरा बना दिया गया था। लेकिन कल मैं बता, लेकिन वही मैं वही पढ़ने में बता रहा हूं, इसी जगह पर वो दोनों जो युवक और युवती थी यहां पर नारे लगाए और क्रैकर जो है उसे पटाखा छोड़ा, और इसको ले जाकर मैं बताऊं सबसे दयनीय स्थिति में पढ़ने बता रहा हूं कि इन दोनों को पुलिस यहां ले जाकर पीटीआई के पास एक उनका कैंप है वहां पर बैठा के रखा था। पुलिस के ही लोगों का ना है, बड़े पुलिस का, अगर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती कि और तुम्हारे साथ कौन है, तुम किस मकसद से आए हो, तो शायद वो लोग बता देते कि हमारे दो साथी अंदर हैं, तीन साथी अंदर है, आप उनको पकड़िए। लेकिन पुलिस चुपचाप उस समय बैठी रही, कुछ नहीं किया गया। अगर अंदर की घटना नहीं होती तो ये दोनों चले गए होते, लेकिन जब अंदर की घटना हुई तो इनको पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में बंद कर गई। अगर उनसे सख्ती से पूछताछ होती तो ये घटना नहीं घटती, वाचन वार्ड या दिल्ली पुलिस या फिर पैरामिलिट्री उनको अंदर पकड़ सकते थे। तो आप वही कर रहे हैं, मशीन लगा दिए लेकिन मैन के जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि केवल मशीनों से सुरक्षा नहीं होती। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि दरअसल इस साजिश के किरदार कौन है और साजिश के तार कौन कौन से हैं, किस तरीके से सागर शर्मा सदन के अंदर स्मोक क्रैकर जलाए इसी शख्स ने। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, साथ ही मनोरंजन डी जो कि दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूदता है, टेबलों के ऊपर कूदता फलांगता जो शख्स नजर आता है, ये मनोरंजन डी है जिसे बाद में सांसदों ने पकड़ लिया, वाचन वार्ड ने उसे कब्जे में लिया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। नीलम संसद के बाहर थी और नारे लगाते हुए जो तस्वीर सामने आई वो नीलम की थी जो हिसार की रहने वाली है हरियाणा की। साथ ही ललित झा ये वो शख्स था जिसका चेहरा अभी सामने नहीं आया है लेकिन उसकी करतूत सामने आ चुकी है, यही वो शख्स था जो कि इस घटना का वीडियो बना रहा था। और अमोल शिंदे ये भी वो शख्स था जिसने संसद के बाहर स्मोक क्रैकर लेकर जलाया। और संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में चार आरोपी गुरुग्राम में भी रुके थे और अब पुलिस ने गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है, तमाम वो सुराग तमाम वो कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं। देखिए ये जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली की पुलिस यहाँ से आके जो विक्की उर्फ विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे।